अब बहुत लोग यार डिफरेंट डिफरेंट वीजा पे आ रहे हैं, स्टडी वीजा पे आते हैं, कोई LMI पे आ रहे हैं, कोई स्पाउ वीजा पे आ रहे हैं, कोई शादी करके आ रहा है, मतलब हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट पाथवे होते हैं और हर किसी का एक ही मकसद होता है टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल। लेकिन एक चूंग प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो कनाडा का, वो ऐसा, ये मुझे बंदा ऐसा लगता है मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन, जो उसकी मैंने न्यूज़ देखता हूँ, जो उसकी मैं पॉलिसीज देखता हूँ, उसकी मैं जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, जो टैक्स इंप्लीमेंट करता है, एक होता है लीडर जो अपनी कंट्री को आगे ले जाता है और एक होता है बंदा जो अपनी कंट्री को बैकवर्ड ले जाता है। ये अपनी कंट्री को बैकवर्ड ले जाता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग ओवरऑल, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग स्पेशली, मतलब बंदे भी बंदे आते जा रहे हैं, जो बंदे प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करके आते हैं, जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं, जो LMI पे आते हैं, स्पाउ वीज़ा पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, FDI पे आते हैं, बिजनेस वीज़ा पे आते हैं, उनका PR का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बंदे इलीगल है, जो इलीगल रह रहे हैं कनाडा के अंदर, जो रिफ्यूजी भर भर के आ रहे हैं, उनके लिए PR के चांसेस बहुत हाई है, उनको बल्कि ओपन वर्क परमिट भी मिलता है आराम से, और 1 साल के बाद वो एलिजिबल भी हो जाते हैं, और उनके PR के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको आराम से PR भी मिलता है, और वो अपने एक्सटेंड भी करवा सकते हैं वर्क परमिट। तो एक न्यूज़ है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक अनाउंस किया था कि जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो इलीगल रह रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं कनाडा में कई सालों से रह रहे हैं, उनको वो लीगलाइज किया जाए। वो तो शुक्र है कि वहाँ की पार्लियामेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, इस प्रपोजल को आगे एक्सेप्ट नहीं किया, वरना जितने भी इलीगल थे, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, जो मार्क मिला रहे, जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि जो भी लोग इलीगल है, जो रिफ्यूजी है, भरे पड़े हैं, जो मतलब अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल लोग हैं, उन सबको PR बांट दी जाए। इसका मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ऐसे बंदों को PR मिल गई ना, तो जो बंदे लीगलाइज्ड हैं, जो बंदे लीगल तरीके से आए हैं, उनके PR के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाएंगे, क्योंकि PR की सीट्स बहुत लिमिटेड है, 5 लाख पर ईयर है, 2024 में 4,85,000 है, 2025-26 में 5 लाख ईच ईयर है, और हर किसी को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग LMI पे आते हैं, प्री अप्रूवल में आते हैं, डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई करते हैं, RRS में करते हैं, टेक प्रोग्राम में करते हैं, स्टडी वीज़ा पे, स्पा वीज़ा पे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में PNP लगाते हैं, और अभी ड्रॉ भी बहुत स्लो स्लो निकल रहे हैं, अभी तो निकल ही बहुत टाइम से रहे हैं, मतलब निकल ही नहीं रहे, सिर्फ अल्बर्टा में ड्रॉ निकल रहे हैं, और जो अटलांटिक प्रोविंस है वहाँ पे तो फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन की जो जॉब है, जो शेफ से रिलेटेड जॉब, कुकिंग से रिलेटेड जॉब है, उनमें PNP नहीं मिलेगा, खासकर न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में। लेकिन जो बंदे इलीगल रहे कनाडा के अंदर, जो इलीगल रह रहे, इलीगल काम कर रहे हैं, उनको ये PR दे रहे हैं। सो कुछ नहीं कह सकते, उनकी गवर्नमेंट है। सो दिस इज द न्यूज़ कि कनाडा अनाउंस क्रिएट अ वे फॉर पीपल लिविंग इन कनाडा विदाउट प्रॉपर पेपर्स टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट। द आइडिया वॉज वेलकम अक्रॉस द कंट्री, कोई कंट्री किसने किसने वेलकम नहीं किया, ये सिर्फ उनकी गवर्नमेंट का ही है चिट्ठा बिट्टा, उनकी गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया था, वो तो बाई चांस ये बात है कि पार्लियामेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। हाउएवर मार्क मिलर सेड द ऑल दो दे मेड द प्रोमिस द कैबिनेट हैज नॉट एग्रीड ऑन इट येट, सो दे माइट नीड टू रिकन्सिडर, मतलब फिर भी क्योंकि इनकी पॉलिसीज में है, इनका एक है कि भैया जितने भी लोग इलीगल रह रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो रिफ्यूजी है, सबको ये PR बांटेंगे, सबको PR बांटेंगे। एंड ही ऑल्सो मैंशन डेट इफ दे गो अहेड विद दिस प्लान, इट विल बी सेफ फॉर द इकॉनमी एंड वुड नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट कैनेडा फाइनेंशियल सिचुएशन। देखो यार, कैनेडा के ना हालात बहुत टाइट है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ जॉब। इफ यू आर लिविंग इन कैनेडा ना, यू नो वेरी वेल, हाउसिंग क्राइसिस है, चीज़ें बहुत महंगी है, ऑयल बहुत महंगा है, गैस बहुत महंगी हो गई है, टैक्स सिस्टम इतने भर भर के टैक्स है, हर तरह के GST, PST और कार्बन टैक्स भी होता है, रेन टैक्स भी होता है। मतलब अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो आपका 40-45% आपका सिर्फ टैक्स में ही कट रहा है, अगर $1 लाख कमा रहे हो पूरे साल का, तो आपका 40-45% टैक्स में ही निकल जाएगा। हेल्थ केयर का पूरा क्राइसिस है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत यूजलेस नहीं, बहुत ही वाहिया ट्रांसपोर्टेशन है, सिर्फ पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिटी के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, लाइक कैलगरी साइड, एडमंटन साइड, टोरंटो साइड, टोरंटो में ऐसी भीड़ होती है, ओटवा में भी ठीक ठाक है, लेकिन हर जगह नहीं है। और सस्कैचवान मैनिटोबा के रिगार्डिंग हो तो बहुत ही यूजलेस है, सिर्फ सस्कैचवान मैनिटोबा के अंदर भी सिर्फ सस्कातून सिटी और विनीपेग सिटी के अंदर ही है, जो मैनिटोबा प्रोविंस की कैपिटल है, अदरवाइज नहीं है। मैं कोई सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा, इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा, यू शुड हैव अ गुड फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए, रेफरेंस आई कॉन्टैक्ट आपके होने चाहिए, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास स्किल्स होने चाहिए।
इफ़ यू हैव दिस तभी आपकी लाइफ ईजी है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, लाइफ आपकी बहुत मुश्किल हो जाएगी. इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी. आप इतना हार्ड मनी लगाओगे, लोन पे इन्वेस्ट करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, बेनिफिट नहीं है. सो वीडियो में पेंड करता हूँ, मैं फोन में पिक कर लेता हूँ. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे. एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.